भारत पिछले कुछ दशकों का देश नहीं है, भले ही हम आजादी का अमृत महोत्सव अभी बनाए 75 साल का, लेकिन गुलाम तो हम हुए थे हजारों साल पहले। हमारा नालंदा का विघटन तो हजारों साल पहले हुई, सैकड़ों साल पहले हुई। भारत दुनिया की जो आदि भाषा है वो तमिल संस्कृत जैसे क्लासिकल लैंग्वेज। दुनिया को जब ज्ञान की खोज हो रही थी तब हमने ज्ञान की परिप्रकाश कर चुके थे। वैल्यूज हमारी बहुत पुरानी, विज्ञान की दुनिया में मैथमेटिक्स में भारत की जितनी दक्षता है पारंगमता है दुनिया में किसी इलाका में इतनी नहीं है। भारत एक नॉलेज सिविलाइजेशन है, ज्ञान सभ्यता है जिसकी कल्पना वैश्विक है। दुनिया जब अपने परिचय के लिए लड़ता है, अपने भौगोलिक अवस्थिति को लेके युद्ध करता है, अभिमान करता है, विश्व भारत तब कहता संपूर्ण विश्व संपूर्ण मानवता मेरे परिवार है। ये सोच शिक्षा से आई थी, ये सोच किसी गुरु ने अपने शिष्य को दिया। ये कोर्स में नहीं होगा उन दिनों में, आज भी कोर्स में शायद नहीं है, लेकिन आप उसको पढ़ाते हैं। एक समग्रता कैसे लाना शिक्षा में, यह हमारी भारतीय शिक्षा परंपरा में है। शिक्षक एक नेतृत्व करने वाला व्यक्ति होता है, और नेतृत्व सिर्फ दो शब्द बोल के नहीं, अपने जिंदगी को खपाते हुए तपस्या करते हुए एक एग्जाम्पल खड़ा करके, एक एग्जाम्पल खड़ा करके वो दूसरे को प्रभावित, अपने कॉलिग को प्रभावित करता है, स्टूडेंट को प्रभावित करता है, ये शिक्षक है। शिक्षा और समाज ये दोनों परिपूरक है या अलग अलग है? कभी मेरे को एक, अभी कभी कभी हम लोग के वहां एक चर्चा चलती है ना, वोटिंग स्वभाव शहरों में घटती है, शहरों में लोग वोट के दिन छुट्टी में चले जाते हैं, ये लक्षण अच्छे नहीं है। मैं समाज की जो, माने कोई पिताजी अपने बेटी के लिए जो दामाद तय करता है, या बेटी जो आजकल तो बेटियां दामाद तय कर देते हैं, दामाद को जब लेके आता है उस समय कहेगा कि नहीं आज छुट्टी है तुम्हारा करो, मैं जाता हूं थोड़ा घूमने के लिए, कोई करता है क्या? इसे ही प्रजातंत्र में वोटिंग देने का विषय है। इसलिए इसकी लिंक कौन खड़ा करेगा? लिंक तो कहीं ना कहीं शिक्षा ही खड़ा करेगा, शिक्षक ही खड़ा करेगा। इसलिए समाज और शिक्षा की अनन्य संपर्क है। जो समाज गहराई से नहीं सोचेगा, रिसर्च नहीं करेगा, वो इनोवेट नहीं कर पाएगा। इनोवेट नहीं कर पाएगा तो सिर्फ एक कंज्यूमिंग इकोनॉमी बनकर रहेगा, प्रोड्यूसिंग इकोनॉमी नहीं हो पाएगा।